तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यार 17 जुलाई को यार आपका एग्जाम होने वाला है और एनटीए ने आप सभी के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और आप में से काफी सारे स्टूडेंट इस समय बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे थोड़ा सा टेंशन में होंगे। बट इसी बीच यार आप सभी के लिए दो ऐसी बड़ी अपडेट आई है जो कि बहुत ही आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। कहीं ना कहीं आपको ये जानकर खुशी भी मिलेगी, स्पेशली जो यार नीट एस्पिरेंट है, राइट। और जो एक यहाँ पे हम बात करें थर्ड वाला, वो भी थोड़ा सा आपको होप दे सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं गुड न्यूज की, जो कि एमसीसी ने जारी किया हुआ है अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसकी अगर हम बात करें यार, तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे, चाहे आपका नीट यूजी हुआ चाहे आपका नीट पीजी एग्जाम हुआ, तो इसका जो काउंसलिंग होता है वो कंडक्ट करवाता है एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी। और अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने रिसेंटली 12 जुलाई को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे ये बताया गया है इस नोटिस के में कि जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड तक जाते हैं, अगर उनको वहां पे कोई सीट अलॉट कर दी जाती है, कोई कॉलेज अलॉट कर दी जाती है, तो यहाँ पे जो आपकी चाहे ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग हो चाहे आपका स्टेट लेवल का काउंसलिंग हो, यहाँ पे जो आपकी वहां पे अथॉरिटीज है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, तो वहां पे उनको अपलोड करना होगा आपका नेम और आपका रोल नंबर, राइट। जिससे इसके बाद वो जो बंदा है या फिर बंदी यानी कि वो स्टूडेंट है, वो आप नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा सकते हैं, राइट। यानी कि अब क्या है कि यार जो स्टूडेंट को सीट सेकंड राउंड में मिल जाता है वो उसका फाइनल सीट होगा, उसके बाद वो चाहे स्टेट की काउंसलिंग की बात करें चाहे हम एमसीसी का मॉपअप राउंड काउंसलिंग की बात करें, उसमें अब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है यार कि जो स्टूडेंट लाइक अपना सेकेंड राउंड में छोड़कर वो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, तो वो सीट यार बच जाती है, तो इससे वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट एक सीट को डिजर्व करता है या फिर उसको सीट मिल पाती, वो कहीं ना कहीं यार बाद में वैकेंट रह जाती है। इंस्टीट्यूट का भी बहुत बार वैकेंट रह जाता है ये सीट, तो इससे यार काफी सारे स्टूडेंट्स को वो सीट मिल जाएगी और वो सीट वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये जो था यार, ये एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, तो आप लोग उसको भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सेकंड अपडेट की बात करें यार, तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी ये अपडेट है कि जो यार देश का 22वां एम्स है, ये यार आपका हरियाणा के रिवाड़ी में यार ये आपका ओपन किया जाएगा और इसका जो फाउंडेशन है वो रखा जाएगा, उसके बाद ये आपका देश को समर्पित किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे थर्ड अपडेट की बात करें तो ये आता है आपके पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग। दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक पिटीशन फाइल किया गया है, जिसका जो प्ली यानी कि हेयरिंग है ये आज आपका आएगा। तो ये आपका कब तक आएगा, इसका कोई ऑफिशियल टाइमिंग अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन इसका जो आपका कंक्लूजन है या फिर शॉर्ट एकदम अपडेट रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स बस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको लास्ट ईयर या फिर अभी जो रिसेंट वाली न्यू न्यू आपके मॉक टेस्ट हैं, OMR बेस्ड टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री में वहां पे मिल जाएगी। फाइल्स में जाकर आप उसको एक्सेस करके आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपके कोई डाउट है तो यार आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे हर एक अपडेट के लिए प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और एमसीसी की ऑफिशियल जो आपका डिसीजन लिया गया है, इस पे आप कितना खुश हैं या फिर आपका इस पे क्या ओपिनियन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए।